ऐसा है देखो ये मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं पूजा रावत फिर से आई हूँ हल्द्वानी क्षेत्र के पिठौरा गांव से आप सभी लोग के लिए नया ब्लॉग लेके। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं 9:30 बजे से, और अभी तक तो धूप आई हुई थी और अब मौसम में करवट बदल ली, तो अब हो गया है अंधेरा, मतलब बादल लग चुके हैं और बारिश का जैसा मौसम हो रहा है और ठंडा भी होने लग गया। तो अभी तक तो काफ़ी धूप आई थी तो अच्छा लग रहा था, और इसी के साथ हम लोग भी अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। तो अभी मेरे बच्चे गए हैं स्कूल, उनका स्कूल खुल गया है आज तो स्कूल चले गए, और दो बच्चे हमारे ट्यूशन गए हैं। तो दोस्तों आज है स्पेशल डे, तो आज स्पेशल डे है, आज है मेरी बेटी का जन्मदिन, यानी कि आपकी काबू का बर्थडे। तो आज आपकी काबू को हो गए हैं 3 साल कंप्लीट और 4th साल लग चुका है। तो मेरे साथ साथ ना मेरी बेटी आपकी भी फेवरेट हो चुकी है, तो मुझे ना जब आप लोग उसके बारे में कमेंट करते हो ना, काबू इज वेरी क्यूट, काबू इज वेरी स्वीट, मतलब बहुत चीज़ें लिखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी भी फेवरेट बन चुकी है वो, तो आज आप ही की काबू का बर्थडे है। तो सुबह तक तो हम लोग काम पे ही लगे हुए थे, तो उसके बाद ना काबी कल तक बहुत खुश थी कि स्कूल जाना है, स्कूल जाऊंगी, अपने दोस्तों को पार्टी कराऊंगी, तो बहुत खुश थी। लेकिन जैसे आज स्कूल भेजा ना, तो स्कूल जाने में तक भी खुश थी, लेकिन स्कूल गेट पहुंच गए वही उसका रोज का रोना धोना, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना, ऐसे ही हो रहा था। तो आज ना हमने उसका स्कूल में भी सेलिब्रेशन करने के लिए एक छोटा सा केक भेजा है और कैंडी वगैरह भेजी है। तो मैम से बोला है कि इसका बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट कर देना, क्योंकि वो लोग हर बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते, तो हम लोगों ने भी वो करवाया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे और हम लोग ना बना रहे खिचड़ी। तो हम हर साल कावी हो, दक्षु हो, या मेरे दो भतीजे हैं लक्षित हो या ईशु हो, हम हर किसी के बर्थडे में दान करते हैं। सुबह के टाइम पर हम बढ़िया सी मस्ती से खिचड़ी बनाते हैं। तो हम लोग ना जहाँ जा रहे हैं वहाँ है कुष्ठ रोग आश्रम, उसे बोलते हैं कुष्ठ रोग आश्रम। तो वहाँ ना कुष्ठ रोग से ग्रसित है, तो उन लोगों को हम एक समय का भोजन देते हैं, ज़्यादा हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक समय का भोजन दे रहे हैं। और इससे ज़्यादा हम लोग क्या करें, और समझ में नहीं आता, क्योंकि ना वहाँ जाके अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, और हमारे बच्चों को आशीर्वाद देते हैं वो लोग, बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम लोग भी जाएंगे, तो आप लोग को भी एक झलक दिखाएंगे वहाँ की। तो अभी तो मैं जाती हूँ नीचे और खाने की तैयारी करती हूँ, और फिर आपको भी ले चलती हूँ वहाँ। तो चलिए आप ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको भी ले जाते हैं। तो गाइस हमारा हो चुका है काम और खिचड़ी भी बन चुकी है हमारी। तो ये रही हमारी खिचड़ी जो कि हमने बनाई, और अब हम जा रहे हैं कुष्ठ आश्रम जहाँ इसको दान करने जा रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30, और हम लोग ना दान करके आते हैं फटाफट। उसके बाद हमने थोड़ा सा मार्केट में भी काम है, केक वगैरह लेके आना है, तो लेते हुए ही आते हैं। और अभी बच्चे भी स्कूल से नहीं आए हैं, बच्चे भी अभी स्कूल में ही है, तो इसको जाते हैं और दे के आते हैं, तो आपको भी ले जाते हैं। और ये काफ़ी भारी हो रहा है, मैं और रावत जी जा रहे हैं, हम लोग जाएंगे स्कूटी में, तो स्कूटी में आ जाएगा पीछे से, तो हम लोग जाते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कुष्ठ आश्रम में, और हम लोगों ने खाना भी दान कर दिया है। तो ये है कुष्ठ आश्रम जहाँ हम लोग आए थे दान करने के लिए, खिचड़ी दान करने के लिए आए थे, तो हम लोगों ने खिचड़ी दान कर दिया। और अब यहाँ से जो, मतलब यहाँ बहुत सारे घर में रहते हैं लोग, तो यहाँ से जो जो आएगा यहाँ पर से खिचड़ी लेके जाएगा। और हमने 2 पैकेट दही और एक बड़ा वाला डब्बा अचार का दिया है, तो अपनी बेटी की बर्थडे की खुशी में हम लोगों ने दान किया है, तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ लोगों से मिलके। तो आपको भी एक झलक दिखाते हैं यहाँ की। तो यहाँ ना आपको बहुत सारे घर दिख रहे होंगे, इनमें सारे वही लोग रहते हैं, और यहाँ पर हमने खिचड़ी दान कर दिया, तो जो जाएगा यहाँ पर से लेके ले जाएगा। तो दोस्तों हम लोग मार्केट से आ चुके हैं, मार्केट से आने के बाद फिर हम लोगों ने सब्जी वगैरह की तैयारी करी, तो ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, क्योंकि अगले महीने फिर दक्षु का बर्थडे हो जाता है, तो फिर उस टाइम भी बुलाना पड़ता है। तो अभी हम लोग काव्या का बर्थडे थोड़ा हल्का फुल्का ही किया, फिर अगले महीने दक्षु का आ जाता है, फिर उस टाइम पे कर लेंगे बड़ा सेलिब्रेशन। तो हमारा ना कमरा सज चुका है बर्थडे के लिए, हो चुका है तैयार, तो आपको दिखा दूँ, यहाँ से लगा रखे हैं रावत जी लोगों ने, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है बैलून फुलाने में, लगे हैं 5 बजे से फुलाने में, और यहाँ से पूरा सजा दिया है। गर्ल्स का पिंक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन बैलून का बनाया है, तो काफी को ना काफी पिंक कलर भी अच्छा लगता है, तो उसके हिसाब से हमने ये कमरा सजाया। और मेन ना हमने ये लगाया हैप्पी बर्थडे, और ये पता है हमने कब लगाया, ये हमने कल 11:30 बजे लगाया क्योंकि ना कल रात क्या हुआ, रात को हम लोग ऐसे बैठे थे, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा हम आधा काम कर देते हैं, क्योंकि ना समय की बचत हो जाती है, अभी आज दिन भर हम लोग बहुत ज्यादा बिजी थे, तो हमने नहीं कल रात 11 बजे लगाया ये झालर और ये हैप्पी बर्थडे का, ये कल रात 11 बजे लगाया हमने। बाकी ये सब चीजें ना अभी रावत जी और बच्चों ने सजाई है, तो काफी मेहनत करके बैलून फुलाने में। तो ये रहा हमारा कमरा जो सज चुका है, तो बस बर्थडे गर्ल को तैयार करना रह चुका है, तो बर्थडे गर्ल को तैयार करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो नीचे जाती हूँ और खाने पीने के देखते हैं क्या क्या हुआ है, फिर मिलते हैं आपको। किचन में आ चुके हैं अपने, और किचन में ना हमने आज फिर बनाया है भैया को, तो आप भैया बनाने पनीर, ये रही पनीर की ग्रेवी, और ये रहे मटर,
और यहाँ पे है मिक्स वेज जो भी बंदा पार्टी रह चुका है वो भी बनाएंगे हम लोग। तो अभी भैया ना बनाने पड़ेगी सब्जी और उसके बाद मैं मिक्स वेज बनाऊंगी। तो आज हमारे यहाँ एक छोटा सा मेहमान आया हुआ है प्रियांक मेहता, तो ये हमारी देवर जी का बेटा है और इसका अगले महीने इसका भी बर्थडे है, तो इसके बर्थडे में भी हम खूब ज्यादा मजे करेंगे। और ये मामी, तो अभी इसकी मम्मी, इसके पापा आने बाकी रह गए और इसकी बुआ आने बाकी रह गए, अभी मिलवाएंगे सबको एक एक करके आपको। तो यहाँ पे ना हम लोग बर्थडे की तैयारी करने लग गए और बच्चे आ चुके हैं, बाहर बैठे हैं। तो अभी ना हम प्लेट लगा रहे हैं, बिस्किट, नमकीन और समोसे का प्लेट लगा देते हैं, उसके बाद जब केक कटिंग होगा तो केक की प्लेट बाद में लगाएंगे। तो साथ देने के लिए देखो बर्थडे गर्ल भी बैठी है हमारी, और मेरी ननद बैठी है, क्या बैठी मेरी भांजी। हो चुका है बर्थडे का सेलिब्रेशन स्टार्ट और यहाँ पे सारे बच्चे आ चुके हैं, काफी के सारे दोस्त आ चुके हैं और काफी भी हो चुकी है रेडी। तो बताइएगा दोस्तों कैसी लग रही है। तो मैं ना आपको मिलाती हूँ काफी के सारे दोस्तों से, दीदी, दद्दा और छोटी बहनी सबसे मिलवाती हूँ। तो ये है, तो सब लोग एक बार काफी को जोर से हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चे अंदर हैं और हम लोग जा रहे हैं नीचे वाले रूम में, वहाँ रखा है हमने केक, तो केक लेके आते हैं और मम्मी लोगों को भी बुला के लाते हैं। तो हमने ले लिया केक का डब्बा और इसके अंदर है केक। तो सब लोग हो चुके हैं रेडी और खाना भी लगभग बन चुका है। तो मम्मी ना आमा को सुलाने के लिए जा रही है कमरे में, उसके बाद मम्मी को ऊपर ही आ जाना। हाँ मम्मी, तो अब हम ना केक की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और इसमें रहा हमारा केक। हैप्पी बर्थडे टू यू। केक कटिंग और अब हम सबको बांटते हैं और ये रहा काव्य का केक। तो इसके ऊपर की डॉल किसको चाहिए? तो दोस्तों केक कटिंग के बाद अब हम लोग का खाना बनने लग गया है यहाँ पे और कुक मैन हमारे बनाए अभी जेठानी जी और ननद को लगाया है हमने अपनी पूरी सेकने के लिए। तो भाई दोनों अभी खाना बनाने में बिजी है और मैं खाना लगा रही हूँ, बच्चों को खिला रही हूँ, बड़ों को खिला रही हूँ, सबको खिला रही हूँ, उसके बाद लास्ट में आप लोग खाएंगे। तो सबको खिला पिला के सबको विदा करते हैं, फिर लास्ट में आप लोग खाएंगे। तो यहाँ पे बन चुका है हमारा खाना, इसमें मिक्स वेज बनी है, बनेगी सब्जी और हॉट केस में है रोटी और अभी पूरी बन रही है, तो भी सबको खिलाते हैं। मिलते हैं आपको खाना खाने के टाइम पे। तो दोस्तों हो चुका है बर्थडे का सेलिब्रेशन पूरा और मेहमान लोग भी जा चुके हैं और हम लोग भी खाना खा के रूम पे आ चुके हैं। तो आज ना काफी ज्यादा बिजी थे दिन भर, तो वीडियो भी थोड़ा बहुत ही बनी है, ज्यादा भी नहीं बनी क्योंकि ना बहुत ज्यादा बिजी थे। टाइम आपको पता ही, अच्छा जाड़ों के दिन छोटे होते हैं तो समय नहीं मिल पाता उतना ज्यादा, तो जितना भी मिला हम लोगों ने आपके सामने दिखाया ब्लॉग में। तो अभी कल के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे काबू को क्या क्या गिफ्ट मिले, अभी अनबॉक्सिंग नहीं कर रखी हम लोगों ने, कल के ब्लॉग में अनबॉक्सिंग करेंगे और क्या क्या मिला तो कल के ब्लॉग में दिखाएंगे। तो अभी ना हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं, रेस्ट करते हैं और सर में भी बहुत दर्द हो रहा है मेरे, यार पता नहीं दिन भर काम में लगे हुए थे। तो मिलते हैं कल दोस्तों नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक ना आप लोग मेरी बेटी का ब्लॉग देख के उसको बेस्ट विशेस दीजिए और आपकी काबू का बर्थडे तो बेस्ट विशेस दीजिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।